अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है, टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कह और कहो किसने घर चलाया है, हिम्मत है तो कहो। जय चंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है क्योंकि मैं ही सबसे पहले बताती थी कहाँ पे क्या सही है कहाँ क्या गलत है। पानी भी दो तीन बार पिया, पानी नॉर्मली पी लेते बस। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आधा हमेशा लेट जाती थी रूम में कि अपने को नॉर्मल कर ले या कई बार फीडबैक वाला लेते एकदम पहुंच गई। देखा कि वो बैग का बटन खुला हुआ था और सीन वगैरह आ रहा था, बाइक पास रहा था तो पेट बनना हो गया था। तो मैंने कहा मेरा बीपी वो हो रहा है, फटाफट मैंने बीपी चेक के लिए डॉक्टर को बुलाया। हाँ एक बात मुझे और बोलनी है जी, मैं उसे भी मिलना चाह रहा था। अगर आप हो सकता है तो इसको आप दे दे ठीक है, जो हो गया हमारा लॉस तो हो गया जी है ना, और हमें कुछ चाहिए भी वो तो पूरा नहीं होगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, कह रहे उन्होंने गाली दी थी मैंने इन लोगों को, और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया जो ये बात तो ये लास्ट सेंटेंस इन लोगों ने मुझे मार दिया क्योंकि वो दिल से ली उन्होंने लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल से ले देंगे। यहाँ बैठे हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है, टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका और कह और कहो किसने घर चलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर चलाया है। अरे भैया जय चंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है किसको। आज तक के दंगल में बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से राजीव त्यागी की मौत से कुछ नहीं बदलेगा। 2016 में ही ब्लैक स्क्रीन एपिसोड में मैंने कहा था, याद कीजिए कि ये टीवी आपको बीमार कर देगा। मैंने लोगों से अपील की कि आप न्यूज़ चैनल मत देखिए, कनेक्शन कटवा लीजिए। ये डिबेट शो आपके बच्चों को हत्यारा बना देंगे। न्यूज़ चैनलों के भीतर बाहर लिंच मॉब तैयार किया जाता है। आप उनकी भाषा देखिए, एंकरों की तेवर देखिए, ये ट्रोल आदमी है। एक एंकर तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर धमका रहा था, क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ी सरकार का उसे समर्थन हासिल है। राजनीतिक दलों की, न्यूज़ चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। खामियाजा भुगता है हमने, राजीव त्यागी जी बीच में नहीं है हमारे अब। कि लोग धर्म के नाम, पार्टी के नाम पर गोदी मीडिया के चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इन एंकरों ने पहले पत्रकारिता की हत्या की है। इन्हें आपके लोकतंत्र से कोई मोह नहीं है, अगली बारी आपकी। भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है, बड़ी मेहनत लगी है इसे हासिल करने, लेकिन अफसोस कि इसे न्यूज चैनलों के द्वारा डिबेट शो के डिजाइन से इसकी हत्या की जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक समाज के रूप में भी आज ये प्रश्न उठ रहा है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह की बहस को हम प्रोत्साहित करें और किस तरह की बहस का हम बहिष्कार करें। राजीव त्यागी की मौत के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है। जो ये समझते हैं वो अपराधी या हत्यारे की प्रवृत्ति को नहीं जानते। जितना कटु से कटु बोलता है आदमी, जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है उतना ही चैनल को ज्यादा टीआरपी मिलती है, ऐसा क्यों है?
रोज शाम को लोकतंत्र की हत्या का लाइव डेमो दिया जा रहा है और हत्या करते हैं।